ओहो, किस्मत ही खराब है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड आज है 21 अप्रैल 2021। एंड आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव कुछ काम से। वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए एंड मेरी लाइफ के लिए। वो काम क्या है आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:10, एंड अभी मैं निकलूँगा यहाँ से। मुझे मेरा भाई छोड़ेगा मुझे ISBT, एंड ISBT से मैं जाऊँगा रिस्पना, रिस्पना से जाऊँगा फिर मैं अपने सतपली बाज़ार। सतपली बाज़ार में मुझे कुछ काम है, देन वहाँ से वो काम निपटा के मैं सीधा गाँव जाऊँगा। फिर गाँव में थोड़ा काम है, गाँव से काम निपटा के फिर वापस आऊँगा देहरादून। एंड अभी मैं कर रहा हूँ, पहले मैं ब्रेकफास्ट, फिर मैं जाऊँगा यहाँ से ISBT। तो इस पूरे ब्लॉग में बने रही है एंड देखिए क्यों क्या है मेरा इंपॉर्टेंट काम। सो फाइनली मैं ISBT पहुंच गया एंड मेरे भाई छोड़ के मैं चला गया उसे भी। एंड अभी मैं बैठा हूँ मैजिक में एंड अभी वेट थोड़ा टाइम लगेगा रिस्पना पुल पहुँचने में, क्योंकि भैया अभी पता नहीं कहाँ गए गाड़ी खड़ी करके। ऊंचाई वाले कनी से मेरो रोते हो मुलुक, ऊंचाई वाले किधरू मा बसिया गो, कथगा स्वाणा देखा दो सरा गो, कथगा स्वाणा देखा दो सेरा गो। सो गाइस, फाइनली मैं तीन धारा पहुंच गया। एंड तीन धारा पहुंच के ही मैंने दिन का लंच किया यहाँ पे। बहुत ही अच्छा था, थाली थी 80 रुपए की थी, बहुत ही अच्छा था। रोटी थी, दो रोटी, सब्जी, चावल, एंड मतलब वही अनलिमिटेड जितना खाना तुम्हें खाओ। तो मैंने ज़्यादा तो खाया नहीं। एंड अभी तो तीन धारा पहुँचा है, तीन धारा से अभी लगेगा टाइम 1-1.5 घंटा सतपुली पहुँचने में। अरे मेरे पीछे तीन धारा है जहाँ हमने खाना खाया। कथगा स्वाणा देखा दो सेरा भोले दमो की गाजी डाडा काठों गुंजो दी, कप्फू ही ना से गुगुती गीत मयाला सुनो दी। चखुला पोतला सन काला, कथगा स्वाणा देखा दो सेरा गोला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे। एंड जैसा कि कल आप मैं आज लेट पहुंचा था सतपुली, एंड लेट पहुंचने के कारण जो न्यू गाइडलाइन है 2 बजे के बाद सारी दुकानें, शॉप्स वगैरह, गाड़ी वगैरह बंद हो गई थी, तो मैं गांव नहीं जा पाया। देन मैं कल रात को चाची के घर पर रुक गया था, यहाँ पे हमारे गांव की चाची रहती है। देन अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए कुछ शॉप से, एंड थोड़ा बहुत सामान। देन उसके बाद आज निकलूँगा मैं गाँव। गीत चंचड़ी झुमेलो गदा नचदा गीतेर। सो फाइनली मैं डॉक्यूमेंट लेकर आ गया ये, एंड इसके बाद मुझे 10 बजे तहसील में जाना है यहाँ पे। वहाँ से मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, एंड देन उसके बाद सामान लेके मैं गांव निकल लूँगा। ऊपर
मेरे पे ऊपर हो गया, मेरे को बाल भी कटवाने अपने। एंड मैं ऊपर गया भैया की शॉप में जहाँ मैं पहले कटवाता ही था, जहाँ पे मतलब वो बंद है शॉप, तो फिर मुझे नीचे आना पड़ रहा है। देखो कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है ना। This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever seen. फाइनली मैंने बाल कटा लिए एंड कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लग रहा है मेरा हेयर कट। अब मैंने तो छोड़े अब कुछ दिनों बाद तो मेरे पूरे कट। सो फाइनली मैं घर से मतलब अपने बाल वगैरह धो के आके था, बाल कटवाए थे मैंने जो, एंड अभी जा रहा हूँ मैं तहसील, और तहसील सीधा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके सीधा अपोजिट में है, और मुझे पैदल ही जाना है वहाँ तक। 10 तो 10:30 तो हो गए टाइम, अब देखते कितनी देर में मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ बन जाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट तहसील में। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे तहसील जाना है, तहसील वो है वहाँ पे मेरा अपोजिट सीधा, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है अभी, और बहुत लंबा रास्ता है ये। और फाइनली मैं उस पार से इस पार आ गया हूँ, ये है सतपुली, हमारा एक मेन मार्केट है सतपुली। एंड अभी मुझे थोड़ा और जाना है ऊपर, थोड़ा सा ही दूर है बस, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड ये देखो पीछे का व्यू, मेरे पीछे का व्यू देख लो। भरिया चो फूला गो गोला गीत चाचड़ी झूमेलो गाता नचेदा कि तेरे तक बकवाली एगास को मिलो मैं भी होलो अखी कखी। हो किस्मत ही खराब है गाइस, जो काम करने आया था वो काम हुआ ही नहीं, उसमें ये काम नहीं हुआ कि जो SDM साहब हैं, वो तहसीलदार है, वो आए नहीं है, कहीं इंस्पेक्शन पे जा रखे हैं। एंड अभी नोटरी के साइन क्या कराने वहाँ पे चिपकाना था कुछ, जो आंटी के पास गम ही नहीं है, वाह मुझे भेजा फिर गम लाने के लिए, गम लेकर आके। ये तो ये हाल हो रहे तहसील में। क्या यार, अब मैं यहाँ से ये नोटरी वगैरह करा के अब जी तक गाँव भागूँगा, गाँव से प्रधान वगैरह का साइन करा के तब कल आऊँगा फिर दोबारा तहसील में, होप कि कल हो जाए मेरा काम फिर। ओ भाई यार बहुत ही ख़राब किस्मत है, अब नोटरी के लिए मुझे फिर बाज़ार जाना पड़ रहा है नोटरी के स्टैम्प्स लेने के लिए, बहुत बुरा हाल है। ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया, अब बाज़ार जाना है मुझे, फिर बाज़ार से स्टैम्प उठाने, फिर वापस जाना है। और भाई फाइन लेकर आया मैं ये, और हालत ख़राब हो गई मेरी अब, क्योंकि बाज़ार से दौड़ता दौड़ता आ रहा हूँ मैं यहाँ, अब जाके रुका मैं, बहुत बुरा हाल है, और ऊपर से चढ़ाई, अब जल्दी से ठप्पा मरवाऊँगा इस पर, उसके घर भाग जाऊँगा। घर भागने से पहले मुझे सब्जियाँ भी लेनी है मार्केट से, और गाड़ी गांव की गाड़ी आ जा ही नहीं है, तो दूसरे वाली गांव की गाड़ी में जाना पड़ेगा बैठ के। चलो फिर मिलता हूँ मैं आप लोग के बाद में। सो गाइस फाइनली मैं अपने गांव पहुंच गया, और ये मेरे गांव का नाम पीछे बस, क्या पढ़ रंग ये रंग मत गेलो का बीच कत का स्वाणा देखा दो जब भी आला तो
सम्यक थे लगाया मैं। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया था दादी घर पे एंड मैंने खाना वाना खा लिया एंड उसके बाद मैं आराम से धूप सेक रहा हूँ बाहर में एंड ये मेरे पीछे का व्यू देखो आप, क्या अमेजिंग व्यू है देखे, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है एंड मैं शाम को दिखाऊंगा पूरा अमेजिंग व्यू यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद मिलूंगा आपको मैं बाद में। की वादियां आज का दिन तू होली घर पना हो याद आली मकैनिकर बिना हो याद आली मकैनिकर बिना घुट घुट मके बटुली ले गए घुट घुट मथे बटुली ले गए ओ याद आली मकैनिक बिना ओ याद आली। चलिए अब चलते हैं हम गांव की सैर करने ऊपर की तरफ, रोड की तरफ जा रहा हूँ मैं। अब डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन हो गए ग्राम प्रधान के, अब मैं जा रहा हूँ सीधा ऊपर सड़क पे जो हमारे गांव की न्यू सड़क बनी हुई है, वहाँ से दिखाऊंगा आपको व्यू, तब मस्त आता है। सो फाइनली मैं पहुँच गया सड़क पे, बस ये ही सड़क, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। और ये रही मेरे पीछे सड़क और इसके अंदर व्यू पीछे का बहुत ही अमेजिंग है, ये पूरा व्यू देखो अपने अंदर से, इधर से रोजा मस्त। चलो ये देख रहो इनको हमने घर से बुला रखा है, ये देखो बस सच्ची नहीं मान रहा हमारी बात का, बोल भाजी आ ही नहीं रखा है भाजी बोल, ये देखो। और ये हमारी रोड है और ये मेरे पीछे मेरा दोस्त है और यहाँ से देखो पीछे का नजारा और ये है बहन है और इसको यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक कि मैं अभी आ रखा हूँ यहाँ है। फाइनली रोड से घूम के आ गया एंड आपने देख लिया होगा कैसा था व्यू एंड थोड़ा काला आ रहा हूँ, रात हो गई है, मेरे पीछे का व्यू देखो अभी कितना मस्त लग रहा है। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ घर। गाइस आप लोग ये व्यू देखो अल्टीमेट, ये बोला था मैंने शाम को दिखाऊंगा एक व्यू, ये इवनिंग व्यू। और ये चाची और उनका बेटा रोटी बनाते हैं बहुत ही शानदार, आज हम खाएंगे चूल्हे की रोटी है ना,
आज हम चूल्हे की रोटी खाएंगे। झेल ज्यादा लगा अलशा, कम करो झेलते। सो गाइज, फाइनली आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है एंड आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड ये मेरा आखिरी व्लॉग होगा, बट इसके बाद मैं व्लॉग बनाता रहूँगा, बट इस व्लॉग के बाद बहुत सारा गैप आ जाएगा। वो गैप इसलिए आ जाएगा क्योंकि मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया एंड मैं फिर जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए, तो 9 मंथ्स के लिए वहाँ जाऊँगा, तो फ़ोन वगैरह जमा हो जाएंगे एंड मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाऊँगा। एंड जो मेरा आज का मेन काम था, जो मैंने बोला था आप लोगों को मैं मेन काम के लिए गाँव जा रहा हूँ, वो ये था कि मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने थे जो आर्मी भर्ती मुझे चाहिए थे, तो फाइनली मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, बस SDM और DM के साइन रह गए हैं, जो मैं कल जाऊँगा मार्केट और कल मैं साइन कराते हुए वहाँ से देहरादून निकल जाऊँगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, आई होप आप सब लोग बढ़िया रहेंगे, फिर मिलूंगा मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।